तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हाँ, जो हिंदी भाषी व्यक्ति भक्त है ना, सामने आ जाओ, स्वतः तुम सामने आ जाओ। हरे कृष्ण हिंदी भाषी भक्त, हिंदी देख कर हिंदी भाषा आ गई। इधर 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 बने। हरे कृष्ण। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री धाम क्षेत्र मंडल परिक्रमा करते करते अभी हम जहाँ पर आए हैं, कहते ये ब्रह्मगिरि के अंतर्गत श्री आलारनाथ है। कहते ये एक तरह का ये वृंदावन धाम ही है, है? इसलिए जैसे वृंदावन में गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, यहाँ पर भी गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जैसे ये जो स्थान किया ब्रह्मगिरी, हाँ, ये ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी मतलब क्या है, यहीं पर ब्रह्मा जी सत्ययुग में यहीं पर उन्होंने आराधना की थी। और ये जो ठाकुर को दर्शन किए हैं, ये सत्ययुग में पितामह ब्रह्मा जी ये ठाकुर जी को स्थापन करते हुए उन्होंने अपना हाथों से ये विग्रह को उन्होंने पूजा की है। इसलिए ये ब्रज का क्या मानी जाती है, कहते बरसाना। जैसे बरसाना में बरसाना क्या है, वो ब्रह्माचल पर्वत ही वो बरसाना है। ब्रह्माचल पर्वत ब्रह्मा जी की आराध्य स्थान है, इसलिए उसी तरह ये ब्रह्मगिरी, ब्रह्मा मतलब ब्रह्म, गिरी मतलब पर्वत, इसलिए ये अभिन्न वृंदावन धाम रूप में ये ब्रह्मगिरी मतलब क्या है, श्री बरसाना। इसलिए अभी आते समय जिस कुंड को हम आचमन करते हुए आए, इनको प्रभुपाद कहते थे ये श्री राधा कुंड है। इसलिए प्रभुपाद ने, इसलिए ये मंदिर को प्रभुपाद ने स्थापन किया है। इसलिए प्रभुपाद स्थापन करते हुए यहीं पर एक समय श्री प्रभुपाद आ रहे थे, भक्तों को साथ में प्रभुपाद आ रहे थे। आते आते, और आप देख रहे हैं ना ये स्थान कितने मनोरम है, चारों तरफ में नारियल का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, आम का वृक्ष है। देखो चारों तरफ में वृक्ष ही वृक्ष है, सुंदर सुंदर वृक्ष है। इसलिए प्रभुपाद आते समय हठात उन्होंने बिंब फल को दर्शन कर लिया। दर्शन करते ही बिंब फल जब पक जाता है, कृष्ण का जो होठ को साथ में, कहते ये बिंब फल का उदाहरण था, बिंबाधर अष्ट है। प्रभुपाद वो बिंब फल दर्शन करते ही जो भक्तों को साथ में आ रहे थे, उन्होंने रास्ता छोड़ करके जंगल में चले गए। भक्तों को लगा प्रभुपाद शौच क्रिया करने के लिए गए, लेकिन शौच क्रिया नहीं, वो बिंब फल देखते ही श्री राधा जी की चरण की उनका स्मृति हो आई, और प्रभुपाद जंगल में गए और वहीं पर राधा रानी की चिंता में ब्रज भाव में प्रभुपाद नयन मणि मंजरी, उन्होंने वहीं पर प्रभुपाद बेहोश होकर पड़े हुए। भक्त लोग मंदिर में आ गए, कुछ देर बाद में देख, छोटी देर बाद में तो प्रभुपाद आ ही नहीं, बोले शौच क्रिया करते आ जाएंगे, वो आ ही नहीं। फिर भक्त लोगों ने गए, प्रभुपाद गए कहाँ, देखा प्रभुपाद जी एकदम मुंह से झांक निकल रहा है, और उनका जो नित्य सिद्ध रूप में, हाँ, नयन मणि मंजरी स्वरूप में वहां पर बेहोश होकर पड़े हुए, और प्रभुपाद का मुंह से वो झांक निकल रहा था। इसलिए प्रभुपाद ने इसको अभिन्न बरसाना धाम, हाँ, जान करके उन्होंने यहाँ पर श्री गौड़ीय मठ को, प्रभुपाद ने ये गौड़ीय मठ स्थापन किया है। और वो जो विग्रह हम लोगों ने दर्शन करके आए, कहते इनका नाम है आलारनाथ। कहते आलारनाथ मतलब क्या है, कहते जब ब्रह्मा जी पितामह, ब्रह्मा जी तो विग्रह का स्थापन किए, लेकिन परवर्ती समय में यहाँ पर कहते रामानुज संप्रदाय में जो साधु लोग होते हैं उनको कहते आलवर, ये
इसलिए ये आलबर कहते बार उनको द्वादश दिव्य सूरी दिव्य महापुरुष होते हैं बार कहते उन लोगों ने ये विग्रह को उन्होंने पूजा की है इसलिए आलबर से ये पड़ गया अपभ्रंश होते होते आलारनाथ ले आलारनाथ नहीं ये आलबरनाथ है। अभी श्री राधानाथ प्रभु सुना रहे थे जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को स्नान कराए जाते ही जगन्नाथ जी बहाना बनाते हैं मेरे को बुखार हो गए लेकिन बुखार नहीं वो प्रेम की बुखार है। अभी कृष्णा वो जाना चाहते हैं वृंदावन अगर एक पति का अगर दो पत्नी हो अगर एक पति हाँ पति अगर बोले एक पत्नी को देखो दूसरी पत्नी को पास में जाना चाहता हूँ पत्नी क्या बोले बोले वही रहना घर में आने का जरूरत नहीं हाँ? फिर मुंह हाँ? रोटी फेंक करके देगी मुंह टेढ़ी करके बात करेगी हाँ? सीधी सी बात नहीं करेगी मान कर लेगी। इसलिए जगन्नाथ जी अभी वृंदावन जाने के लिए उन्होंने बुखार की बहाना बना दी और 15 दिन तक लक्ष्मी को साथ में केवल मनाते रहे उनको लक्ष्मी मेरे को 2-4 दिन के लिए लक्ष्मी मेरे को केवल आदेश दे दे मैं 2-4 दिन में जाकर कल जाकर परसों वापस आ जाऊंगा। इसलिए उनको 15 दिन लगता है जगन्नाथ जी को लक्ष्मी को अंदर में मनाने के लिए लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु प्रत्यह श्री जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे कल हम सुन रहे थे क्यों जो जगन्नाथ जी है कहते ये राधा जी की भाव में ये ब्रज भाव में ये द्रवीभूत श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप है। इसलिए महाप्रभु का जो जिस भाव को लेकर के वो आए थे जिस रस का आस्वादन करने के लिए वो जगन्नाथ जी को दर्शन करते समय उनको वही भाव ही उद्दीपन होता था। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जब जगन्नाथ जी का अनवसर समय होता है महाप्रभु यही आ जाते थे और यही आकर के आप लोगों ने शिला को दर्शन किया है ना महाप्रभु जी शिला के ऊपर में लेटते हुए राधा भाव में विभावित तो होकर के कभी उठते हैं कभी प्रणाम करते हैं कभी उठते हैं जैसे राधा रानी सुदीग्ध विप्रलम्ब भाव में जैसे एकदम डूब जाती है श्रीमती राधा रानी महाप्रभु उसी विरह में एकदम उसके पत्थर ऊपर कभी लेटते थे कभी खड़े हो जाते थे कभी लेटते थे ऐसे करते 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 कहते ना पशु पाखी जुरे पाषाण विदरे सोनी जा रुना गाता अपरमा करुणा वो जोई जना निताई गौर चंद्र। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते श्री भक्ति रसामृत सिंधु में प्रेम की वहां वर्णना करते अद्भुत वर्णना करते वहां पर प्रेम में क्या स्थिति होता है बोले तेज बारी मृदा जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्ग मृषा कहते भगवत प्रेम में तेज तेज मतलब होता है जो भगवान का जो दिव्य रास करते हैं जहां पर चंद्रमा एक जगह पर खड़ी हो जाती बारी बारी मतलब क्या जो पानी वो उल्टी बहने लग जाती है मृदा मतलब होता है पत्थर है कहते जहां पर द्रवीभूत हो जाता है। रूप गोस्वामी अद्भुत अद्भुत उन्होंने विरह अवस्था की उन्होंने वर्णना की है। इसलिए ये विरह में देखो महाप्रभु का भी यहाँ चिन्ह है जगन्नाथ मंदिर में भी चरण चिन्ह है कृष्ण का भी ब्रज ब्रज में रामलीला में कहते उनका कामदगिरी में जाओ वहां पर देखना राम भरत का मिलन में कामदगिरी एकदम कैसे किचड़ किचड़े हो गया। इसलिए महाप्रभु इसको ऊपर में लेटते लेटते उनका सारे चिन्ह ऐसे ऐसे चिन्ह हो गया ये महाप्रभु का हाथ का सर का छाती का चरण का ये सब चिन्ह उसमें पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न आता है आप लोग देखे मंदिर में ये चतुर्भुज नारायण है चतुर्भुज नारायण है कहते फिर महाप्रभु वो तो राधा जी के भाव में विवाहित है और राधा भाव का आस्वादन करने के लिए आए फिर ये नारायण को पास में यहाँ पर क्यों आए। तब कहते नहीं ये नारायण देखने में नारायण है लेकिन महाप्रभु का जो भावना है ये बैठा की भावना है बैठा में जैसे रास से कृष्ण जब वहां से अंतर ध्यान हो गए और जा करके गोपियों को छकाने के लिए उन्होंने चतुर्भुजों को धारण कर लिया इतने में जब ब्रज की गोपियां आई उन्होंने देखा नारायण बैठे हुए गोपियों ने पूछा हमारे श्याम सुंदर को देखे हो लेकिन वो कृष्ण ही तो स्वयं है उन्होंने कुछ बोले ही नहीं है वो चुपचाप बैठे लेकिन जब श्रीमती राधा रानी आती है
राधा रानी आते ही उनकी शरीर का जब उन्होंने सुगंधि को प्रवेश उन्होंने सुगंधि नासिका में प्रवेश किया, इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं ना, मतलब बंसी करान निपतित स्खलितम शिखंडम भ्रष्ट सपीत वसनम प्रजराज सुनो। केवल राधा जी की शरीर का खुशबू सुगंध प्रवेश करते ही क्या हो जाते, बंसी करान निपतित, उनका हाथ से बंसी गिर जाती है और सर से मोर पंख गिर जाती है, उनका पीतांबर कब खिसक जाता है उनको पता ही नहीं चलता। ऐसे राधा जी की अद्भुत प्रेम है, इसलिए जैसे आते ही उनका दो हाथ जैसे अपनी आप अंदर में प्रवेश कर गया, कहते उसी तरह महाप्रभु जब यहाँ पर आते थे, ये अभिन्न वर्षना राधा कुंड है, जब ये अलारनाथ को दर्शन करते थे वो किस रूप में दर्शन करते थे, उसी रूप में मानो श्री श्याम सुंदर यहाँ पर श्री चतुर्भुज रूप लेकर बैठे हुए, लेकिन महाप्रभु को राधा जी के भाव में, इसलिए उनको चतुर्भुज नहीं उनको श्री कृष्ण रूप में दर्शन करते थे। इसलिए श्री महाप्रभु यहाँ आकर के वो विप्रलम्ब भाव को यहीं पर महाप्रभु वो आस्वादन किया करते थे, इसलिए महाप्रभु यहाँ पर आते थे और यहीं पर रहते थे। और यहाँ पर जो विग्रह आप लोगों ने दर्शन किए हैं, एक अद्भुत चीज ये विग्रह है, बोले क्या अद्भुत चीज है, हैं? इनका नाम है विग्रह। बी मतलब होता है विशेष पूर्वक, ग्रह मतलब होता है विशेष पूर्वक भक्तों का जो सेवा को जो ग्रहण करते हैं, इसलिए इनका नाम विग्रह है, विग्रह कहते हैं। इसलिए ये ठाकुर एक चाजुल्यमान प्रमाण है, कहते जब एक समय जब यहाँ पर ब्राह्मण लोग जब इनकी पूजा करते थे, एक समय कोई एक ब्राह्मण था जिनके घर में एक छोटा बच्चा था, ब्राह्मण ने कहा देखो बेटा मैं जा रहा हूँ दूर देश में, तुम ठाकुर जी को भोग लगा देना। बोले ठीक है पिताजी। पिताजी चले गए, जब चले गए इतने में माता जी ने रसोई फसाई बनाया, बना करके बेटे को बोले देख बेटा पिताजी बाहर गए, लो ठाकुर जी को भोग लगा करके आ जाओ। अभी उन्होंने गए और ठाकुर जी के सामने प्लेट रख दिया, पीढ़ी रख लिया, बोले ठाकुर जी पिता बाहर गए हुए हैं, अब आओ और बैठ कर खाना खा लो। लेकिन इनकी सरल भावना को देख करके ठाकुर जी खा नहीं रहे थे, बोले क्या मैं मेरे को मंत्र मंत्र पता नहीं इसलिए आप खाना नहीं खा रहे हो, नहीं तो पिताजी नाराज होंगे, इसलिए अब ठाकुर जी आओ बैठो और भोजन करो। जो उन्होंने प्रार्थना की निष्कपट रूप में, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं पिताजी कैसे भोग लगाते हैं, उन्होंने सोचा जैसे हम खाते हैं ठाकुर जी ऐसे ही खाते हैं, ठाकुर जी तो सचमुच ऐसे खाते हैं, लेकिन कहते भाई खाने के बाद तो खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन प्लेट में तो भरा रहता है, प्लेट में तो भरा रहता है, ठाकुर खाए कहा, कहते हमारा जैसे ठाकुर नहीं खाते हैं, जैसे हम खाने पर क्या होता है, हम खाने पर क्या होता है खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान खाने पर खत्म नहीं, क्योंकि भगवान ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, भगवान ग्रहण करने से पूर्ण रहता है, हम कहते ना प्रसाद कभी कम नहीं होता है, प्रसाद ज्यादा हो जाता है, इसलिए भगवान खाने पर वो कम नहीं हो जाता है बल्कि वो ज्यादा हो जाता है, हैं? अभी उन्होंने उनकी प्रार्थना से सचमुच से ठाकुर उतर करके आए और उन्होंने जो कुछ दाल सब्जी चावल खाना खा लिए, उन्होंने खाली प्लेट लेकर के आया, मैया ने कहा बेटा प्रसाद कहाँ है, बोले ठाकुर जी खा लिए। मैया ने सोचा वो कहा बच्चा है शायद भोग लगा कर खुद खाना खा लिए, बोले कोई बात नहीं। जब उन्होंने दूसरे दिन फिर भोग लगाया, ठाकुर जी खाना खा लिए, जब खाली प्लेट, बोले बेटा प्रसाद कहाँ है, बोले ठाकुर जी खा लिया ना, कल भी ऐसे ठाकुर जी खा लिए थे, पहले तो ठाकुर खाना नहीं खा रहे थे, मैंने बहुत प्रार्थना किया तो प्रार्थना से खा ली, रोज रोज खाली प्लेट है, रोज रोज खाली प्लेट। वो तो बड़े आश्चर्य में पड़ गई। जब पिताजी वापस आए, उनको पत्नी ने सारी बात सुनाई, ऐसे ऐसे ठाकुर को खाना खिलाता है, कल ठाकुर खा जाते हैं। उसको पिताजी को विश्वास नहीं हो रहा था, बोले ठीक है ये चीज को सच ना झूठ है, ये चीज को देखने के लिए पिताजी ने क्या किया, ठाकुर को पीछे छुप कर बैठ गया। अब बोले तू आज भोग लगा, जब सचमुच से उसको बच्चा ने ठाकुर जी को भोग लगाया ना, बोले ठाकुर जी आओ और भोजन करो, जो भोजन कर बोले इतने में ठाकुर जी आए, और जब ठाकुर जी भोजन करने के लिए जा रहे थे ना,
इतने में उसको पिताजी आ करके ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया है। इतने में ठाकुर जी बोले देख तेरे बच्चे के निष्कपट भाव से हाँ निष्कपट भक्ति से मैं रोज खाना खाता हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। तुम जो कुछ इच्छा तुम बर मांगो, जो कुछ इच्छा बर मांगो। लेकिन उनको बुद्धि यही सही है, बोले क्या बर मांगेंगे? अगर हम जो कुछ खाना बना कर आपको खिलाएंगे, अगर सारे खाना अगर आप खा गए फिर हम क्या खाएंगे? फिर हम क्या भोजन करेंगे? आप अगर सबके सब खाना खा लिया तो इसलिए ठाकुर जी आप मत खाया करो। इतने में भगवान को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उपनिषद कहता है ईसावासम सर्वम जत किंचा जगत जगत तेना त्यक्तन भुंजिता मागृत कसन है। इसलिए उपनिषद कहता है भगवान को दे करके उनका अवशिष्ट प्रसाद ग्रहण करनी चाहिए। गीता में कहते हैं यज्ञ शिष्टा से न संत मुच्यंते सर्व किलिसै भुंजन्ते तु अघम पापा जे पचन्ति आत्म करना। कहते यज्ञ शिष्टा से न संत भगवान को भोग लगा करके भक्त लोग अवशिष्ट ग्रहण करते हैं। भगवान कहते भैया मैं खाने से कम हो जाएगा, मैं खाने से कम हो जाएगा ना बढ़ेगा, लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट बुद्धि है। बोले मैं अभिशाप देता हूँ तुम्हारे जितने वंश में लोग सबके सब समाप्त हो जाए। उन्होंने अभिशाप उन्होंने दे दिया। सचमुच से उनकी वंश में जितने लोग थे ना वो बच्चे को छोड़ करके सबके सब वंश समेत खत्म हो गए। जब खत्म हो गए फिर बाद में जब पूरी राजा को ये बात पता चला फिर उन्होंने दो परिवार उन्होंने एक रसोई के लिए और एक पूजा करने के लिए ठाकुर के पास में फिर उन्होंने भेजा। इसलिए एक भजन गाते हैं ना, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तो खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तो सुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपिया जैसे तो नचाते नहीं। इसलिए भगवान सब कुछ करते हैं, भक्तों का प्रेम में बसीभूत होकर के भगवान क्या नहीं कहते उसका ये जाजुल्य प्रमाण है। और एक समय ठाकुर जी को एकदम गर्म खीर भोग लगाया। जब गर्म खीर भोग लगाया इतने में ठाकुर जी बास हाथ को उन्होंने डाल दिया, डाल करके जब मुंह में लेने के लिए गए वो हाथ को डाल दिए। इसलिए भगवान के हाथ में अभी खोपला पड़ा हुआ है, तो उन्होंने जब मुंह में डाले अभी भगवान के मुंह में भी वो जला हुआ है। वो खीरी खीर जब टपकते हुए उनको छाती में गिरा वो छाती में भी फोपला पड़ा हुआ। अभी भी ये ठाकुर जी के शरीर में तीन जागा में अभी भी वो फोपला पड़ा हुआ है। देखे हो, ध्यान देकर देखे कि नहीं? हाँ, जो लोग एकदम पास में गए होंगे देखना वो तीन जागा में ये फोपला, ये तीन जागा में ये फोपला पड़ा हुआ है। इसलिए कितना विग्रह न तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये विग्रह नहीं। इसलिए शिक्षा देते हैं जैसे ठाकुर जी को जो हम भोग लगाते हैं ना है, ऐसे नहीं एकदम चूल्हे से उठाया और एकदम गर्म गर्म है, गर्म गर्म है और ठाकुर को सामने धर दिया। कहते ऐसे नहीं करनी चाहिए, पहले अगर गर्म उसको थोड़ी सी ठंडा करो, उसको थोड़ी सी ठंडा करके भोग लगानी चाहिए। और गर्मी का समय में ठाकुर जी को थोड़ा ठंडा करके और ठंडा का समय में थोड़ी सी गर्म करके, एकदम आग जैसे नहीं है, आग जैसे नहीं, थोड़ी सी ठंडा करके भगवान को भोग लगानी चाहिए, नियम है। और यहीं पर ही श्री चैतन्य महाप्रभु बोले एक बार नहीं महाप्रभु बारंबार, ये चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत में वर्णना है, महाप्रभु एक बार नहीं कहते महाप्रभु बारंबार इसी स्थान पर आए। जब दक्षिण यात्रा कर रहे थे यहाँ पर महाप्रभु जब आए यहाँ के आसपास के हजार हजार लोग इकट्ठे हो गए महाप्रभु को दर्शन करने के लिए। इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए फिर महाप्रभु को एक घर में बंद करना पड़ा। मतलब इतने लोग इकट्ठे हो गए, सारा दुनिया बाहर के लोग, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की,
बोले श्री सच्चिदानंदन गौर हरि की। इसलिए महाप्रभु घर में बंद करना पड़ा, सारा दुनिया महाप्रभु की जय जयकार कर रहे थे। फिर बाद में फिर उनको फिर खोल करके उन्होंने फिर खोल करके फिर महाप्रभु को उन्होंने दर्शन कराए। इसलिए भागवत में चैतन्य भागवत चैतन्य बहुत सारे प्रसंग है जो कि महाप्रभु कब कैसे इस स्थान पर आए। इसलिए और इसी मंदिर में अब बता दो जो विदेशी लोग हैं, जैसे अंदर में कुछ कुछ का दर्शन नहीं हो पाया, अंदर में नहीं हो पाया, जब प्रभुपाद यहीं पर थे कहते श्री जैसे हर विग्रह का विजय विग्रह होता है, विजय विग्रह होता है हर विजय। एक ठाकुर तो एक जगह पर रहते जाते नहीं बड़े ठाकुर, लेकिन जो छोटे ठाकुरों को क्या करते हैं हम दोले में लेकर घुमाते हैं ठाकुर जी को, रथ यात्रा दोले में लेकर घुमाते हैं। इसलिए एक ब्राह्मण को घर में यहाँ पर उनका जो विजय विग्रह है आलारनाथ का वो विग्रह था, तब विग्रह था किसी ब्राह्मण घर में, तब वो ठाकुर जी वो ब्राह्मण को स्वप्न दिया, बोले देखो यहाँ पर एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद यहाँ पर एक महान पुरुष आए, इसलिए मेरे को लेकर के तुम उनको दे दो है। तब उनने स्वप्न आदि से पा करके वो विग्रह को ला करके इसी मंदिर में दिए। अभी वो मंदिर में वो अध्यक्ष जो विग्रह है, इसलिए जो लोग अंदर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, अंदर में ठाकुर का दर्शन नहीं कर पाते हैं, अगर वे लोग इसी विग्रह को दर्शन करें तो उनको दर्शन प्राप्त हो जाते, क्योंकि उनका ही ये प्रतिभा विग्रह इसी मंदिर में। इसलिए लास्ट में जब कथा समाप्त हो जाएगी आप लोग जरूर वो विग्रह को दर्शन करना जरूर, ठीक है। बोले जितना विदेशी भक्त लोग हैं जरूर वो विग्रह को दर्शन कर दिएगा। इसलिए ये स्थान अत्यंत अत्यंत पवित्र स्थान है। अभी श्री वन महाराज जी आपको वृंदावन में ले जाएंगे, आपको वृंदावन में वन महाराज ले जाएंगे। इसलिए अब आपको महाराज जी नाम व्रत वन महाराज टेक यू इन द वन व्हिच वन इन द वृंदावन सर नाम वन महाराज टेक यू है ना वृंदावन टेक यू नाम। बोले से पूज्य बात वन महाराज की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री अलारनाथ की, पिता इधर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल।